कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हैं हमारी हॉरर स्टोरी देखने के लिए? उसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग, और बहुत हॉरर भी है। बहुत हॉरर है और बहुत मजेदार है। आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो बिना वक्त जाया करिए, चलिए चलते हैं। इस स्टोरी का नाम है द इनविजिबल गोस्ट स्टोरी। ये बहुत हॉरर स्टोरी है, तो आप लोग एंजॉय करिए ये स्टोरी। चलिए चलते हैं। बहुत मजेदार है। याहू, बोया मिल गया, जीत गया मैं, सब बंदों को हरा दिया मैंने। ये कौन था? ये कौन कौन हंसा है? टीवी में तो नहीं, टीवी से तो आवाज नहीं आई है, मुझे किचन की तरफ से आवाज आई है। अरहम अरहम, नीचे आओ, मुझे डर लग रहा है, नीचे आओ। अच्छा मैं ऊपर आती, रुको। क्या हुआ भैया, तुम आवाज क्यों लगा रही हो? अरहम अरहम, तुम्हें पता है कि ना, मुझे नीचे आवाज आई है एक चीज की, बहुत डरावनी आवाज है, वो हंसने की है किसी की। तुम जल्दी आओ, नीचे आओ, चल के देखते हैं। भैया क्या हो गया, नीचे से तो आवाज नहीं आई कोई। तुम जरूर हॉरर मूवी देख रही होगी, उसी की वजह से तुम्हारे वहम आ रहे हैं। नहीं अरहम, सच में मुझे आवाज आई थी, चलो मेरे साथ नीचे। अच्छा भाई चलता हूँ। कुछ भी नहीं है यार भैया, फजूल में तुम मुझे लाके लेके आई हो। यार हम यार सच में, मेरे यकीन करो, सच में यार। चलो यार चलते हैं बाहर। भैया ये तो अजीब सी हॉरर सी आवाजें आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। मामा को फूल लगाओ, कब तक आएंगे वो लोग? अब मैंने बोला था ना अरहम तुम्हें, अब हम क्या करें, मामा पापा भी गए हुए हैं। चलो हम ना बेड के नीचे छुप जाते हैं थोड़ी, जब तक पापा और मामा नहीं आ जाते। तो फ्रेंड्स, कहानी अभी भी नहीं ख़त्म हुई है। तो रात को हमारे मामा पापा आ गए थे घर। तो अगले दिन जब अरहम बाहर गया, तो अरहम के साथ भी रात को एक वाकया पेश आया, और वो भी रात को। तो चलिए देखते हैं। आह यार, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं, चलो जल्दी से घर चले जाता हूँ। अचानक से मेरे सर में दर्द क्यों हो रही है, और चक्कर भी आ रहे हैं। आह, इतनी रात भी हो रही है, मुझे जल्दी से घर भी पहुँचना होगा। मुझे सब पर किसने मारा है, इतनी रात भी हो रही है, भागो मैं जा रहा हूँ। No one can hide from me. ये कौन है जो भी है सामने आए, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ सामने। No one can hide from me. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुम मुझे मारोगी? ये बहुत पुरानी बात है, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान थी। A story of 1989. मैं और मेरी दोस्त एक स्कूल में पढ़ते थे। क्या तुम्हें पता है, हमारे स्कूल के पीछे एक नदी है जो कि बहुत हॉन्टेड है, कोई भी वहाँ नहीं जाता है। क्यों, वहाँ कोई क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एक हॉन्टेड जगह है, यहाँ के सब बच्चों को पता है ये बात, और तुम वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना, वो बहुत हॉन्टेड जगह है। कितनी हंसने की बात है, क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कोई हंसने की बात नहीं है, तुम वहाँ नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, वरना तुम मारी जाओगी, क्योंकि वो बहुत हॉन्टेड जगह है। क्यों ना मैं जाकर देखती हूँ वहाँ पर। और मैंने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी और मैं वहाँ पहुँच गई। ओ
मर गए, लेकिन मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें मैं मार कर मैं वापस आ जाऊंगी। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आप सब लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तब भी लाइक करें और कमेंट भी करें, और आप लोग हमें अपने आइडियाज बता सकते हैं कमेंट के जरिए। और अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी इंतजार करिएगा। तब तक के लिए।